दोस्तों व्हाट्सएप तो आप सभी लोग यूज करते हैं डेली बेसिस पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप को लेकर पांच ऐसी हिडन सीक्रेट ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों। जी हां दोस्तों, हिडन सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूं आज आपको व्हाट्सएप की। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी पांच बताने वाला हूं। इनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए यदि आप व्हाट्सएप को यूज करते हैं इन प्रेजेंट, क्योंकि दोस्तों ये पांचों की पांचों ट्रिक बहुत ही लाजवाब है। इनके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना ही चाहिए। इनको सीखने के बाद आपका जो व्हाट्सएप को यूज करने का एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा होने वाला है और आपको अपना व्हाट्सएप को यूज करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इसलिए कहूंगा दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, एक भी ट्रिक आपसे छूटनी नहीं चाहिए, एक भी हिडन ट्रिक्स आपसे छूटनी नहीं चाहिए। एक एक को ध्यान से देखना, एक एक को समझना। यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों के पास शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे बिना किसी टेंशन के। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब शुरू करते हैं। अब दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, पांच हिडन सीक्रेट ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं व्हाट्सएप की। पांचों के बारे में आपको मालूम होना ही चाहिए इन प्रेजेंट, यदि आप व्हाट्सएप को यूज करते हैं तो। अब पहली ट्रिक क्या है वो थोड़ा ध्यान से समझना, ओके। जैसा कि दोस्तों, मैं यहां पर अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूं। आप अभी लोग देख सकते हो मैंने अपने व्हाट्सएप को ओपन जो है किया हुआ है। अब दोस्तों, यहां पर आपको जो मैं पहली ट्रिक बताने वाला हूं वो क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना अब इस चीज को, ओके। दोस्तों पहले क्या था, पहले हम अपने किसी भी नंबर पर, ओके, जैसे यहाँ पर ये कोई नंबर है, ओके, इस पर हम क्या कर सकते थे, यहाँ पर डिसअपीयरिंग मैसेज की एक सेटिंग रहती है, यदि हम इसको ऑन कर देते थे तो इस नंबर के 7 दिन के बाद सभी जो भी हम मैसेज भेजते थे वो अपने आप ही डिलीट जो है हो जाते थे, ओके। लेकिन अब दोस्तों, इसमें एक और नया अपडेट आया है। अपडेट क्या है वो थोड़ा ध्यान से समझना, ओके दोस्तों। दोस्तों पहले ये सेटिंग जो हुआ करती थी, यदि हम इसमें ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में कोई भी सेटिंग को ऑन ऑफ कर देता था, उससे क्या होता था, ग्रुप के सभी जो चैट थी वो डिस्टर्ब हुआ करती थी। जैसे ये एक ग्रुप है, ग्रुप का यदि कोई भी मेंबर इस सेटिंग को ऑन ऑफ करता था, ओके, यहाँ पर डिसअपीयरिंग वाले सेटिंग पर, ओके, तो यहाँ पर वो पूरे ग्रुप में काम करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप इस सेटिंग को पर्टिकुलर एडमिन ही कर सकता है। यदि आप एक सेटिंग कर लेंगे, यहाँ पर सेटिंग क्या है, आप ग्रुप सेटिंग में जाएंगे, ग्रुप सेटिंग में यहाँ पर मिलेगा आपको चूज हु कैन चेंज दिस ग्रुप सब्जेक्ट, ओके, यहाँ पर टच करेंगे, यहाँ पर यदि आप ओनली एडमिन कर देंगे, ओके, तो अब इस सेटिंग को कोई ग्रुप में चेंज नहीं कर पाएगा। बल्कि पहले ऐसा नहीं था, पहले कोई भी कर देता था, ओके, तो अब एडमिन के हाथ में ये पावर दे दी गई है, ओके, तो इसको आप यूज कर सकते हैं यदि आप एक ग्रुप को रन करते हैं व्हाट्सएप पर, ओके। तो पहली ट्रिक थी व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर। अब दोस्तों दूसरी ट्रिक क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना। दोस्तों दूसरी ट्रिक भी आपके जानना बहुत ही बेहद जरूरी है। दूसरी ट्रिक क्या है दोस्तों, मान लीजिए कि ये मेरा कोई फ्रेंड है, ओके, मैं इसके यहाँ पर गया प्रोफाइल में आई बटन पर क्लिक करके, ओके, यहां पर जाने के बाद यहां पर आपको दोस्तों एक ऑप्शन मिलता है कस्टम नोटिफिकेशन का। कस्टम नोटिफिकेशन में गया, यहां से इसको ऑन किया ऊपर की साइड से। ऑन करने के बाद यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर नोटिफिकेशन टोन है, ओके, मैं इसको क्या काम करूंगा, यहां पर ये वाली लगा दूंगा, ओके, कोई भी एक अलग से लगा दूंगा। अब इससे क्या होगा दोस्तों, जब इस फ्रेंड का कोई भी मैसेज आएगा तो जो मेरे नोटिफिकेशन की टोन होगी वो अलग तरीके से प्ले होगी, ओके, इस कॉन्टैक्ट के जिस पर मैंने सेट किया, जिससे मुझे टोन से ही पता चल जाएगा कि मेरे फ्रेंड का व्हाट्सएप मैसेज आया है। तो आप अलग अलग टोन सेट कर सकते हो अलग अलग फ्रेंड के प्रोफाइल पर, ओके, जिससे उसका मैसेज आए तो उसके मैसेज की टोन से ही पता चल जाए कि हाँ उस फ्रेंड का मैसेज आया है, ओके। तो ये सेटिंग आप जो है कर सकते हो कस्टम नोटिफिकेशन को सेट करके अपने व्हाट्सएप के अंदर, ओके दोस्तों। अब दोस्तों बात करेंगे थर्ड ट्रिक की। थर्ड ट्रिक बहुत ही जरूरी है, आपकी प्राइवेसी को ये बचाएगी बहुत ज़्यादा। व्हाट्सएप पर जब आप चैट करते हो, ओके, और आपका मोबाइल किसी और के हाथ में चला जाता है तो वहाँ पर कोई भी आपके व्हाट्सएप चैट को चेक नहीं कर पाएगा, जबकि आप उसको पासवर्ड भी बता देंगे तब भी वो चेक नहीं कर पाएगा। इससे आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले एक ऐप को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड कहाँ से करना है अभी बताऊंगा आपको, ओके, एप्लीकेशन का नाम क्या है। जब आप इसको पहली बार ओपन करेंगे, आपको डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से ओपन होगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक पासवर्ड बनाना है, जैसे मैं बना लेता हूँ 0000। इसके बाद इसको रिपीट करना है, ओके, नेक्स्ट करके यहाँ से
इनेबल कर देना है। ओके, इनेबल करने के बाद एसेसिबिलिटी सेटिंग की परमिशन मांगेगी, इंस्टॉल्ड सर्विस में जाएंगे। ओके, यहाँ पर जो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करी उसको यहाँ से अलाउ कर देंगे। अब ये अलाउ हो चुकी है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर इस तरीके से ये एप्लीकेशन का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे नीचे आपको प्लस का निशान मिलेगा, प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको वो कॉन्टैक्ट नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनसे आप पर्सनली चैट करते हो। जैसे मेरा ये फ्रेंड है, मैं इसे पर्सनली चैट करता हूँ, मैंने इसका कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर लिया। ओके, इसके बाद यहाँ पर गया, यहाँ पर मैं ये वाला है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। मैंने दो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर सिलेक्ट जो है कर लिए। अब क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए मेरी पीठ पीछे मेरे व्हाट्सएप को कोई किसी ने ओपन किया और जो मेरे फ्रेंड थे, ओके, इनकी चैट को पढ़ने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही वो इनकी चैट को ओपन करने की कोशिश करेगा, ये ओपन नहीं होगी, ये पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड केवल आपको पता होगा। ओके, हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो एक कमाल की यूनिक ट्रिक है। व्हाट्सएप तो वो ओपन कर लेगा लेकिन जो आपकी चैट है ना इसको ओपन नहीं कर पाएगा, चैट पर लॉक लग जाएगा। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर किया, आप देख सकते हो चैट ओपन नहीं हो रही है, पासवर्ड डालता हूँ 0000, उसके बाद यहाँ पर ये ओपन हुई है। ओके, तो चैट पर आप लॉक लगा सकते हो इस ट्रिक से। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, आप प्ले स्टोर में जाकर सर्च कर लेंगे, चैट लॉकर फॉर व्हाट्सएप, ये इसका लोगो है, न्यू लिखा हुआ है लोगो पर। ओके, तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप चैट पर लॉक लगा सकते हो। अब बात करेंगे चार नंबर की ट्रिक की। चार नंबर की ट्रिक क्या है दोस्तों, बेहद ही यूजफुल ट्रिक है दोस्तों मान लीजिए कि आप व्हाट्सएप पर अपने अलग अलग फ्रेंड से बात करते हो, ये कोई आपका फ्रेंड है, इसके मैसेज आए, यहाँ पर आप देख सकते हो मैसेज आ रखे हैं। ओके, तो आप इनको पढ़ना तो चाहते हो लेकिन उसको पता ना चले कि आपने वो मैसेज पढ़ लिए हैं। ओके, जबकि आप रीड रिसिप्ट की जो लास्ट वाली सेटिंग है उसको भी बंद नहीं करना चाहते। ओके, बस आप चाहते हो कि उसको पता ना चले और ये मैसेज मैं पढ़ भी लूँ। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो दोस्तों, आप यहाँ पर ना सर्च वाले ऑप्शन पर जाएंगे और जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करेंगे, ओके, जैसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सर्च, ओके, मैंने ये किया, तो जैसे ही आप देख सकते हो मैंने ये सर्च किया, ओके, सुनील के नाम से इसके जितने भी मैसेज आ रखे हैं वो यहाँ पर जो है आ गए हैं। ओके, तो यहाँ से आप सर्च करके उसके नाम को यहाँ पर जो है उसके मैसेज को पढ़ सकते हो, जो भी आपका फ्रेंड है उसके नाम को सर्च करेंगे उसके मैसेज जो है आ जाएंगे। तो है ना दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक जिसको आप यूज कर सकते हो अपने व्हाट्सएप के अंदर। अब दोस्तों बात करेंगे पाँच नंबर की ट्रिक की। पाँच नंबर की ट्रिक क्या है दोस्तों, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी ट्रिक इन फ्यूचर। ओके, ट्रिक क्या है थोड़ा ध्यान से समझना। व्हाट्सएप पर मैं गया, ओके, मान लीजिए कि ये मेरा कोई फ्रेंड है, मैं इस पर जो है ऑडियो मैसेज भेज रहा हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर दबाया और मैंने यहाँ पर जो भी बोलना था मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, लेकिन अचानक ही क्या हुआ, कुछ गलत जो है मेरे से बोला गया। ओके, तो मैं क्या काम करूँगा, इसको मैं छोड़ दूंगा। तो लेकिन वो जो मैंने गलत बोला वो तो उसके पास सेंड हो गया ना दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से आप यदि कुछ गलत बोल देते हो ऑडियो मैसेज करते समय और उसको आप भेजना नहीं चाहते हो, तो आप यहाँ पर एक ट्रिक को यूज कर सकते हो। वो क्या है, जैसे आप यहाँ पर जैसे देख सकते हो आप, ये रिकॉर्ड हो रहा है अभी। ओके, यदि कुछ गलत बोला गया है ना आपसे, तो आपको क्या करना है, ओके, इस साइड, ओके, लेफ्ट की साइड स्वाइप करना है इसको, ऐसे ऐसे आप देख सकते हो वो डिलीट हो गया। ओके, यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, यदि कुछ गलत बोला जाता है तो ऐसे स्वाइप करना है और ये जो है डिलीट हो जाएगा और आपकी रिकॉर्डिंग उस तक नहीं जाएगी। फिर आप दोबारा से अच्छे से रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हो उसके पास। ओके, अलग अलग मामलों में इस ट्रिक को यूज आप कर सकते हो। तो ये पांच ट्रिक थी दोस्तों जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट में यदि आप व्हाट्सएप यूज करते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, कुछ ना सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को फिर ऐसा लाइक करना। जो ये था इस वीडियो में, नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।